दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपका मोबाइल हैंग होता है या स्लो चलता है, ठीक है, या दोस्तों जैसे चल चलते अटक जाता है, तो उसको आप ये जो प्रॉब्लम है ना उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या होता है कि अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स है जिनको ऑन करने के बाद ना आपके जो फोन है स्लो हैंग होता है ना, तो वो अटक जाता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में ही आपका मोबाइल है जो स्लो होता है या हैंग हो जाता है ना या अटक जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल टेक्नोरुका को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे ये घंटी का बटन है, इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों आपको इतना सा ही काम करना है। और दोस्तों कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें यहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके दोस्तों यहाँ पे ना अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले तो आपको कुछ सेटिंग्स है वो कर लेनी है। जैसे दोस्तों आपको सबसे पहले तो जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ये देखिए एक डॉट्स दिखाई देगा ऊपर इस तरह का ब्लू, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखेगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अपडेट अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इन सब को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग और बताऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर लेना है। मैं अभी अपडेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सबको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वापस से आना है सेटिंग में, ठीक है। इससे बाहर निकलना है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से बाहर निकलने के बाद आपको जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट सर्च करना है, ठीक है। अपने अबाउट में जाना, ये देखिए यहाँ पे सिस्टम अपडेट, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद चेक फॉर अपडेट्स, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एवरीथिंग लुक गुड्स, दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन नहीं है आपका तो आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अपडेट एक हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अब जो थर्ड नंबर की जो सेटिंग है वो बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कई फोन्स के अंदर ना यहाँ पे आई मैनेजर करके होता है, ठीक है। तो जैसे ये फोन अलग है इसलिए आई मैनेजर नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस तरह का आता है, देखो मोटो सिक्योर, ये लोगो तो हर उसमें मिल जाएगा। जैसे आई एम मैनेजर आप सर्च करोगे तो ये लोगो वहां पे मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, यहाँ पे अलर्ट दिखा रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है, व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपको इसको यहाँ पे स्कैन कर देना है। इस तरह दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये सब कुछ ओके हो चुका है, मतलब ये हमने लास्ट स्कैन कर दिया है इसको आज टुडे 9:10 AM पर। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ये देखिए प्राइवेसी ये सब कुछ है ना, परमिशन, तो इन सबको आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पे परफेक्टली एकदम इजीली चलने लगेगा बिल्कुल। और दोस्तों जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप यूट्यूब गूगल क्रोम जो चलाते हो तो उन सबके हिस्ट्री को आप क्लियर कर दीजिए, जिसके बाद में क्या होता है कि उससे भी आपके मोबाइल के रैम पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका जो मोबाइल है वो एकदम परफेक्टली रन करने लगेगा। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।